आशुतोष गर्ग ने संभाला जिला कुल्लू के उपायुक्त का कार्यभार। कहा, कोरोना महामारी से निपटना सर्वोच्च प्राथमिकता, सामान्य गतिविधियों को भी प्रदान करेंगे गति। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2014 बैच के अधिकारी आशुतोष गर्ग ने बतौर उपायुक्त कुल्लू का कार्यभार संभाल लिया है। वर्ष 2015-16 के दौरान उन्होंने कुल्लू से ही बतौर प्रोबेशन अपनी सेवाएं आरंभ की थी। इसके पश्चात वह नालागढ़ तथा सोलन में SDM रहे। उन्होंने शिमला में विशेष सचिव राजस्व तथा हिमऊर्जा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर अपनी सेवाएं दी। इसके उपरांत वह मंडी जिला के अतिरिक्त उपायुक्त बने और कुल्लू से पूर्व वह लोक सेवा आयोग के सचिव पद पर कार्य कर रहे थे। मीडिया के साथ संवाद करते हुए आशुतोष गर्ग ने कहा कि कोरोना महामारी के मौजूदा दौर में स्वाभाविक है कि कोविड प्रबंधन उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रहेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर काफी कमजोर पड़ चुकी है और ऐसे में बंदिशें भी कम हो गई हैं। आर्थिक व सामान्य गतिविधियों को जारी ही नहीं रखना बल्कि इन्हें गति प्रदान करनी भी प्राथमिकता रहेगी। हालांकि जिला में इससे पूर्व कोविड प्रबंधन में काफी सराहनीय कार्य हुआ है। उपायुक्त ने कहा कि वैक्सीनेशन सभी पात्र लोगों के लिए बहुत जरूरी है, लोगों तक इसका संदेश जाए, मीडिया से यह अपेक्षा रहेगी। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के साथ साथ कोरोना की जांच के लिए भी लोगों को आगे आने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नए वेरिएंट की कोई संभावना बनती है तो सरकार के दिशा निर्देशों की कड़ाई के साथ अनुपालना सुनिश्चित बनाई जाएगी। आशुतोष गर्ग ने कहा कि जिला के विकास के लिए आम जनमानस का सहयोग अनिवार्य है। वह लोगों से भरपूर सहयोग की अपेक्षा करते हैं। वह आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए हर समय उपलब्ध रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जो इमीडिएट प्राथमिकता है वो तो हमारी कोविड की मैनेजमेंट की ही रहेगी, क्योंकि हम लोग अभी बिहेवियर है उसको बिल्कुल भी ना छोड़ें। यानी जो बेसिक चीज़ें हम लोग राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस पेंडेमिक सभी से आग्रह कर रहे हैं कि मास्क जो है वो लगा के रखें, लगातार जब भी बाहर से या आपका कहीं मूवमेंट रहता है और आप बाहर से आते हैं तो हाथों को सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करें। उसके अलावा जो गवर्नमेंट का वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है तो उसमें किसी तरह की हेजिटेंसी लोग ना दिखाएं, क्योंकि केसेस बढ़ने की कोई संभावना होती है तो हम उसको सही समय पर जो है वी आर एबल टू आइडेंटिफाई दैट और हम उस पर कार्रवाई कर सकें। वो ये मैसेज जो है सब जगह में लोगों तक पहुंचाएं। सो दिस विल बी आवर इमीडिएट। कुल्लू से आपका फैसला टीवी के लिए धनेश गौतम की रिपोर्ट।